हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं कुछ सब्जियां वगैरह लेके आई थी, तो मैंने इनको वाश करके गर्म पानी में नमक वगैरह डाल के अच्छे से, और धूप तो है नहीं, शाम का टाइम है, वैसे भी आजकल कहाँ धूप निकल रहा है, तो इसलिए मैंने टेबल पर लगा दिया है। ये अपना अच्छे से फैन में सूख जाएगा। और उसके बाद मैं एक तरफ जो है वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ, और बेडशीट वगैरह था कुछ, तो थोड़ा मैं जो है उसको धुल रही हूँ। आरु नहीं हटो वहां से, हटो। तुम लोग कपड़ा धुल रहे हो क्या? हाँ हाँ, कपड़ा धुल रहे हो? हाँ, गिर जाएगा। नहीं, बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद कर दिया आरु? और मैंने ना मशीन लगाया था, तो आरू आके बार बार जो है चेयर लगा के अपना और मशीन का स्विच जो है ऑफ कर दे रहा था, और उसमें जो मशीन में कुछ ना कुछ डाल भी रहा था, तो मैं वही देख रही थी। और इधर अभी 5 बज रहे हैं, तो मतलब बच्चों को और हस्बैंड को थोड़ी बहुत भूख लगी है, हल्की फुल्की भूख लगी है, तो मैंने सोचा चलो जो है वेजिटेबल सैंडविच बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है ब्रेड पे सॉस वगैरह लगा के, और ये जो है टोमेटो है, कुकुम्बर है, अनियन, ये सब कट करके मैं इसके ऊपर रख दूंगी। और ये खाने में हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, और झटपट से बनने वाला 2 मिनट में वेजिटेबल सैंडविच, तो खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए जो है बना रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम अभी 5 बज रहा है, तो इन लोग को हल्की फुल्की भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। तो बस मैं यहाँ ना फिर मैं सब्जी वगैरह लेके बैठ गई कट करने के लिए, तो फिर अनार रखा था, मैंने सोचा चलो छिलके जो है बच्चों को दे देती हूँ। तो मैं, मेरे बड़े वाले बेटे को ना बहुत पसंद है, तो मैं उसी के लिए जो है काट रही हूँ। और ये ना एकदम रेड कलर नहीं था, ये पिंक कलर था, तो बोल रहा नहीं मैं नहीं खाऊँगा, मत काटो। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो एक बार टेस्ट तो कर लो, अगर खाने में अच्छा रहेगा तो फिर छिल देती हूँ। तो उसने मतलब टेस्ट किया तो मीठा लगा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मतलब काट दो। तो एक्चुअली रेड कलर नहीं था ना, तो उसे लग रहा था अच्छा नहीं होगा, पिंक कलर थे, पूरा एकदम रेड नहीं था। तो फिर मैं फटाफट से काट के उसके बाद फिर सब्जी वगैरह भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो रहा, धीरे धीरे रात हो रही है, तो डिनर वगैरह भी बनाना है, तो मैं सब्जी वगैरह भी कट कर लेती हूँ। और सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी, क्योंकि जो है अभी सब लोग सैंडविच वगैरह खा लिए हैं और फिर फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तो किसी को ज़्यादा भूख है नहीं, सभी लोग बोल रहे हैं मुझे भूख नहीं है, कुछ मत बनाओ खाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी तो करीब 9-10 बजे तक भूख लग जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे सिंपल सा भिंडी की सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। और मैं ना इधर जो है बच्चे कार्टून भी देख रहे थे, तो मैं भी वही देख रही थी, और मुझे भी अच्छा लगता है कार्टून देखना बच्चों के साथ अच्छा लगता है कार्टून, तो वही चल रहा था। और मैं इधर अपना काम जो कर रही थी और टीवी भी देख रही थी, तो इधर जो है मैंने जो है सब्जी वगैरह भी कट कर लिया है। ये देखिए मैं सब्जी भी कट कर चुकी हूँ, और उसके बाद चल रही हूँ किचन में। किचन में मैंने एक तरफ मशीन भी लगाया है, मेरा कपड़ा भी धुल रहा है, और एक तरफ मैं फटाफट से खाना भी बना लूँगी।
मैं जो है किचन में आ गई हूँ और मैंने देखिए मोबाइल किस तरह लगाया है, किस तरफ लगाया है, मतलब क्योंकि उस साइड जो है बर्तन स्टैंड था पहले, तो मैं वहीं पे जो है अपना मोबाइल रखती थी, बट मैंने स्टैंड जो हटा दिया क्योंकि वहाँ छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा आती थी, तो इसलिए मैंने वहाँ बर्तन हटा दिया क्योंकि बार बार मुझे बर्तन जो है सारा धुलना पड़ता था जब छिपकली आके कभी कभी स्टैंड पे बैठ जाती थी, तो मुझे बहुत मतलब गंदा लगता था, तो इसलिए मैंने वहाँ से बर्तन हटा दिया। और मोबाइल मतलब रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने मतलब दूसरी तरफ मोबाइल जो है रखा है, रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इधर जो है फिर मेरा पैन जो है मैंने तड़का लगा दिया था मिर्च वगैरह का, हरी मिर्च का लंबा लंबा काट के मैंने ऑयल वगैरह डाल के, और फिर मैं जो है भिंडी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, तड़का जब जल गया था इसका थोड़ा रेड कलर हो गया था, तो बस मैं सिंपल सा ही भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। मैं जो है मसाला वगैरह नहीं डालूँगी इसमें, बस केवल नमक ऐड करूँगी और बाकी कुछ भी नहीं। तो इस तरह की मतलब भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, मसाला वगैरह भी वाला अच्छा लगता है, बट इस समय मैं जो है मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, केवल सिंपल सा ही वैसे भुजिया टाइप भिंडी बना रही हूँ। और इधर सब्जी मैंने डाल दिया है तो मैं फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ। और मशीन जो है वॉशिंग मशीन मैंने बंद कर दिया है, मेरा कपड़ा हो गया था, धूल उठा था, तो मैंने बकेट में निकाल दिया है और मशीन मैंने बंद करके धुल के हटा दिया है। और टाइम भी करीब 8:30 हो गया है, तो ये 8:30 का टाइम है, तो मेरी सब्जी भी बन रही है और इधर मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो इधर ना मेरी सब्जी भी बन रही है और मैं फटाफट से आटा भी लगा लूँगी, उसके बाद रोटी बन जाएगा तो मेरा डिनर हो जाएगा रेडी। और हम लेडीजों का काम ना सुबह से रात तक मतलब ख़त्म ही नहीं होता है, लगता है कि मतलब दूसरे लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या काम रहता है घर में, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बट पता नहीं क्यों दिन भर हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ मतलब लगा रहता है। और फिर भी हमें जो है सुनने में यही आता है कि दिन भर घर में करती क्या हो, घर में कौन सा काम रहता है, घर के काम को कोई काम कहते हैं क्या? लेकिन सच में हमारी लाइफ ना ऐसे ही बिजी रहती है, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और जो थोड़ा बहुत जो है टाइम मिलता था हमारे आराम करने का टाइम, हो तो हम लोग जो है यूट्यूब पे लगा देते हैं, बस एकदम लाइफ बिजी हो गई है, काम और फिर जो है उसके बाद यूट्यूब, तो क्या करें भाई, हमारा यही काम है, कर रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी जब कोई कहता ना कि घर में दिन भर करती क्या हो और घर का कोई काम जो है काम होता है, तो मतलब थोड़ा कष्ट भी होता है कि क्या हम लेडीजों का काम काम नहीं होता है क्या? तो मैं वही सोचती हूँ ना कि जो मतलब बाहर जाती होंगी वर्किंग वूमेन जो हैं, तो वो बेचारी कैसे काम करती होंगी, घर का भी काम रहता है और बाहर का भी रहता है, तो कैसे मैनेज करती हैं। लेकिन फिर भी ना अच्छा है क्योंकि घर के काम करके अपना जो है बाहर निकल जाती हैं, तो बाहर जो है फिर मतलब घर से कोई मतलब नहीं रहता है, आने के बाद ही फिर घर का काम जो है पड़ता है, तो एक जगह में एक ही बार काम करती हैं तो फिर भी सही रहता है। हम लोगों का क्या है मतलब घर का भी काम करो, अगर यूट्यूब से जुड़े हैं तो मतलब यूट्यूब और घर का काम दोनों साथ लेके चलना पड़ता है, और सच में मतलब एकदम लाइफ बिजी हो गई है, बट फिर भी सुनने में यही आता है कि दिन भर घर में करती क्या हो, तो मतलब थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें। और बस मेरा जो खाना पीना हो गया है, मतलब मैं रोटी भी बना रही हूँ, सब्जी मेरी बन गई है, तो मैं इधर फटाफट से रोटी भी बना ले रही हूँ। और कभी कभी ना मैं मतलब यही सोचती हूँ कि लाइफ इतना बिजी हो गया है और पता नहीं हम लोग सक्सेस होंगे भी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा क्या नहीं, तो बस ऐसे ही चल रहा है हमारा। और मैं जो है रोटी भी बना लेती हूँ, तो आई होप आप लोगों के भी दिमाग में यही चलता होगा कि पता नहीं, मेरे ही दिमाग में चलता है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन फिर भी अपना तो काम करते रहना चाहिए, हम मेहनत करते रहेंगे तो जो है मेहनत का फल तो हमें एक दिन मिलेगा ही, तो बस हमें अपना काम करते रहना चाहिए और जो फल मिलेगा देखा जाएगा। तो बस मेरी रोटी भी बन रही है और उसके बाद मेरा डिनर हो गया रेडी। Thank you.
मैंने सारा रोटी जो है बना लिया है और सब्जी भी मेरा बन गया है और मैंने जो है सब्जी वाला गैस ऑफ कर दिया है। और ये देखिए जो है सब्जी वगैरह बन गया है और मैं बच्चों को फटाफट से खिला देती हूँ। तो सब्जी भी बन गया और मेरा मतलब रोटी भी बन गया, मैंने गैस ऑफ कर दिया, बच्चों को खिला दिया है। तो उसके बाद बच्चे जो है खाना पीना खा के, और ये देखिए मैंने नेट लगा दिया था और लाइट भी ऑफ कर दिया था। तो बड़ा वाला बेटा सो रहा, ये भी अंदर सो रहा था, बट पता नहीं कब जो है लाइट भी मैंने बंद कर दिया था। लाइट जलाया तो देख रही हूँ ऊपर अपना खेल रहा है, झूला झूल रहा है। तो इसको मैंने अंदर सुलाया था बट पता नहीं कब उठा, और ऊपर देखिए स्पेशल झूला अपना बना लिया है, उसी में झूल रहा है। तो मैंने जब लाइट जलाया तो मैं देख रही हूँ अपना ये ऊपर जो है ऐसे ही खेल रहा है। और बड़ा वाला बेटा सो रहा है बट इसको नींद नहीं आ रही है, और रात के करीब 10 बज रहे हैं। आरु गिर जाओगे, आरु गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, जंप मत करना। देखो नीचे उतरो, झूला बनाए हुए इसको है। तो इधर जो है मैंने हस्बैंड का भी खाना लगा दिया है, और बस मेरा डिनर जो है आज का यही है। और मेरी वीडियो बस इतनी ही थी फ्रेंड्स, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।